हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मुखा और द एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो ये जो कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम होगा, ये कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं होगा जैसा आप देखते हो अपने मोबाइल्स में, बट एक सिंपल मैं आपको यहाँ पर एक कैलकुलेटर जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाया जाता है वो प्रोग्राम बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ फंक्शन कीवर्ड। तो फंक्शन कीवर्ड लगाना जरूरी है जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो अब उसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा, तो माई सी ए एल सी मैं नाम रख देता हूँ, और फंक्शन का नाम के बाद में इसके राउंड ब्रैकेट आते हैं, राउंड ब्रेसेस आते हैं, देन करली ब्रेसेस आते हैं। ठीक है, अब राउंड ब्रेसेस और देन करली ब्रेसेस देने के बाद में हम अपने, ये बेसिकली हमारा एक फंक्शन बन गया है। ये फंक्शन कीवर्ड लगाया, फंक्शन का नाम, फंक्शन के राउंड ब्रेसेस, देन करली ब्रेसेस से हमने इसकी बाउंड्री डिसाइड कर दी है। तो ये एक फंक्शन बन चुका है अभी। ठीक है, अभी ये ब्लैंक फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हमने। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम जो अपना बेसिक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं उसमें हम यूजर से पूछेंगे सबसे पहले कि वो क्या करना चाहता है, मतलब कि वो कैलकुलेट मेथड में ऐड करना चाहता है, सबट्रैक्ट, माइनस या मल्टीप्लिकेशन, जो भी करना चाहता है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सबसे पहले यूजर के इनपुट को स्टोर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बना दिया जैसे कि एम इनपुट, जैसे कि माई इनपुट, या मैं डायरेक्ट भी देता हूँ माई इनपुट। ठीक है, और प्रोम्प्ट फंक्शन में चलाऊंगा, बेसिकली यूजर से मुझे लेना डेटा लेना है, तो पी आर ओ एम पी टी प्रोम्प्ट फंक्शन चलाया और मैंने डाल दिया एंटर ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन, अब जो ऑपरेटर आएगा वो हमारा माई इनपुट जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं यूजर से क्या लूंगा, यूजर से दो नंबर लूंगा जिसके साथ में वो मल्टीप्लीकेशन या कैलकुलेशन कराना चाहता है। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं नम वन। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी मैं प्रोम्प्ट फंक्शन चलाऊंगा और इसमें रख दूंगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को दोबारा से कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे एक और वेरिएबल बनाया, क्योंकि यूजर से मैं दो वैल्यू लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैसेज डाल दूंगा एंटर यहाँ पर सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास में ऑपरेटर आ चुका है, दोनों वैल्यू आ चुकी है, दोनों को, तीनों चीजों को हमने इन्होंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो अब हमारा काम जो चलेगा वो इफ एल्स का ही काम चलेगा क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन बेस हम काम करना चाहते हैं। इफ एल्स ब्लॉक वहीं पर ही चलेगा जहां पर आपको कंडीशन का काम अगर है तो आपको इफ एल्स चलाना पड़ेगा। इफ एल्स चलाने के लिए सबसे पहले इफ लिखो आप, फिर देन राउंड ब्रेसेस, देन इसके कर्ली ब्रेसेस, ये होता है इसका इफ का ब्लॉक, सिंपल ये ब्लॉक है। अब मैं क्या कराऊंगा कि माई इनपुट जो मेरा वेरिएबल है अगर वो इक्वल इक्वल बराबर है किसके, प्लस के जो यूजर ने दिया है, जो कि हम ऑपरेटर ले रहे हैं पहले, तो क्या करे, तो मेरा यहाँ पर पहले काम करूंगा मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी बनाऊंगा एक रिजल्ट नाम का। ठीक है, तो क्या करो, रिजल्ट के अंदर क्या कर दो, यहाँ पर स्टोर करा दो, क्या स्टोर करा दो, यहाँ पे नम वन को प्लस करके नम टू से, ये मैंने काम कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या काम, देखो इनको मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट भी करा सकता हूँ, सिंपल। देखो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर मैं करा दूंगा, रिजल्ट को मैंने प्रिंट करा दिया इस तरीके से, सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे एक और कंडीशन लगानी, जब आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी होती है देन आप यूज कर दो एल्स इफ को। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एल्स इफ, तो एक और कंडीशन आ जाएगी मेरी यहाँ पर, और फिर इसकी भी यहाँ पर करली ब्रैकेट से बाउंड्री स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना ये कॉपी कर लेता हूँ इतना, और यहाँ पे आके इसको ना पेस्ट कर देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अगर मेरा ऑपरेटर है माइनस तो क्या करे, तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, तो नम वन को नम टू से माइनस करके आप दे दो। अब मैं एक और मुझे कंडीशन लगानी है, तो जितनी कंडीशन आपकी मल्टीपल रहेगी उतने ही आपको ब्लॉक चलाने हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज करो डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं चेंज करूंगा डिवाइड करके रिजल्ट आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन सिंबल डाल दूंगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये मैंने डाल दिया। अब आप एल्स ब्लॉक चलाना चाहते हो तो आप चला भी सकते हो, अगर कोई मैसेज आपको देना है तो आप दे सकते हो, या भी इसी कितना ही हम करते हैं। ठीक है, अब हमने ये काम कर लिया है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज और आपको मैंने बताई होगी, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये एक जो भी यूजर हमें वैल्यू देगा वो ज्यादा स्ट्रिंग देगा, तभी हमने यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। तो बेटर क्या रहेगा, हम इनको कन्वर्ट कर ले फ्लोट के अंदर। ठीक है, क्योंकि यूजर क्या है, पॉइंट के अंदर भी नंबर दे सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पार्स फ्लोट लिख दूंगा यहाँ पर, और एक ब्रैकेट यहाँ लगा दूंगा, और देन एक ब्रैकेट यहाँ लगा दूंगा,
ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा PARSE पार्स FLOAT पार्स फ्लोट, और यहाँ पे इसको कर देता हूं मैं पार्स फ्लोट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट आ गया हमारा, एक ब्रैकेट हमारा देखो यहाँ पे आएगा ए प्रॉम्प्ट से पहले, और फिर एक हमारा यहाँ पे राउंड ब्रेसेस। तो ऐसे ही आप देखो, हम इसको तो करेंगे नहीं, हम देखो इसको इसको नहीं करना, हमको जो हम यूजर से लेंगे ना इसको नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू करेंगे, तो वो नहीं करना, सिर्फ हमें इसको करना है। तो ठीक है, पार्स फ्लोट यहाँ पे लगाया मैंने और देन यहाँ पे लगाया। ठीक है, तो अब क्या है, अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर में, फ्लोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बन चुका है प्रोग्राम। अब मैं एक बार इसको सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो चलेगा तो है नहीं, क्योंकि हमने कॉल ही नहीं किया। तो मैं इसको यहाँ पर कॉपी करता हूँ फंक्शन का नाम। जब भी फंक्शन कॉल करना है तो उसका नाम लिखो, उसके राउंड ब्रेसेस लगाओ और सेमी कॉलन लगा दो, ये फंक्शन कॉल हो गया बस, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको मैंने सेव किया। अब सेव करने के बाद मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। अब रिफ्रेश क्या, देखो एंटर ऑपरेटर, मैं चाहता हूँ प्लस करना, ओके किया। अब ओके करते हैं, यहाँ पे देखो हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। तो एक, अरे हाँ, एक काम और करते हैं, एफ का मैं यहाँ पे पहले एफ यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ पार्स फ्लोट का, रिफ्रेश करता हूँ। अब प्लस का ऑपरेटर दिया मैंने, अब देखो सेकंड वैल्यू मांग रहा है क्या, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर 15 और सेकंड फर्स्ट वाली दे दी, सेकंड देता हूँ जैसे 15, तो आंसर 30 आएगा। तो आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। बिल्कुल हमारा प्रोग्राम बिल्कुल फंटेस्टिक चल रहा है। मैंने यहाँ पर ऑपरेटर दिया जैसे कि माइनस, ठीक है, मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 30 में से क्या माइनस कर दो, मुझे कर दो 5 माइनस, कितना आंसर आएगा 25, बिल्कुल परफेक्ट। अब मुझे डिवाइड करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, 12 को करना है किससे, 2 को, क्या आंसर आएगा 6, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है, एंटर ऑपरेटर, मैंने मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 12 को करना है, किससे करना है, 6 से, तो 12 से 72 आंसर आ गया। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारा कोड चल गया। अगर मैं ओके कर दूंगा, देखो ओके भी कर दिया, अब मैंने मैंने वैल्यू कुछ दी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम चाहेंगे कि हमारा एल्स ब्लॉक चले। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी मैसेज डाल देंगे, जैसे कि प्लीज, यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड वैलिड डेटा। ठीक है, इस तरीके से। अब एल्स हमें चलाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इफ तभी चलेगा जब ये ट्रू होगा, एल्स इफ भी तभी चलेगा जब ये ट्रू होगा, जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तब चलता है एल्स। बट ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एल्स का कोड चलाओ, अगर आप नहीं चलाते तो आप मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। बट हमें यहाँ पे नीड पड़ी कि हमने क्या करा है कि भाई इसमें से सबसे कंपेयर करा लिया, अगर कोई भी ट्रू है तो चल जाएगा, बट यूजर ने तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब ये तो सारी फॉल्स रहेंगी, तो फॉल्स कंडीशन में हम ये चला देंगे डॉक्यूमेंट ऑट राइट प्लीज एंटर वैलिड डेटा या प्लीज गिव वैलिड डेटा, इस तरीके से सेव करता हूँ। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो मैंने किया यहाँ पे, देखो एंटर खाली खाली और खाली, तो क्या आ गया, प्लीज गिव वैलिड डेटा। तो इस तरीके से आज का प्रोग्राम था जावास्क्रिप्ट में सीखना कि हम एक बेसिक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। अगर आप ये समझ गए हो तो आप जो बड़ा कैलकुलेटर होता है एक, जिसमें हम आपने देखे हैं नॉर्मल जो कैलकुलेटर होते हैं, वो आप बड़ा इजीली बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और इस लेक्चर में कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी, तभी आप वीडियो देख पाओगे, तभी आप कुछ सीख पाओगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डे में और नए लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।